किए। अब शाम का समय हो चुका है और हम खाना बना रहे हैं। खाने में क्या बना रहे हैं आप लोग को हम दिखाएंगे, वीडियो में बने रहिए। तो देखिए यहाँ पर हम, ये हमारा देखिए, इसमें लौका है और दाल है, आलू है, टमाटर है, प्याज है, अदरक है, लहसुन है, हम सब कुछ काट करके इसमें डाल दिए हैं क्योंकि आज हम खिचड़ी बनाने वाले हैं। तो देखिए आप, हम खिचड़ी, हम खिचड़ी के लिए हमने पूरा तैयारी कर चुके हैं दोस्तों। देखिए आप सब देख सकते हैं, पासले यहाँ पर लौका और अरहर का दाल है और आलू है इसमें और प्याज है, अदरक है, लहसुन है, सब कुछ हम इसमें डाल चुके हैं और इसमें डाल करके हम बनाएंगे अच्छे से खिचड़ी, आप लोग को भी दिखाएंगे और वीडियो में बने रहिएगा और मेरे वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो को इसकी बिल्कुल मत करिएगा, तभी समझ में आएगा दोस्तों। तो हम आप सबको दिखाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हम एक पैकेट मसाला लिए हैं, वो भी गोल्डी मसाला है 555, आप सब देख सकते हैं पास ले, देखिए गोल्डी मसाला 555 है। तो हम इसी, इसको हम खिचड़ी में डालेंगे, बहुत अच्छा स्वाद आता है इसे। और हमारा खिचड़ी पास से देख सकते हैं आप सब कि हमारा खिचड़ी कितने अच्छे से पक रहा है। तो हमारा खिचड़ी आप सब देख सकते हैं कितने अच्छे से पक रहा है यहाँ पर, देखिए। तो यहाँ पर आप सब देख सकते हैं हम चावल लिए हुए हैं, हम उसमें चावल डालेंगे। तो ये चावल हमारा कम से कम 1 पाव के करीब है। तो खिचड़ी दोस्तों ऐसा बनाना चाहिए, ना ज़्यादा पतला हो ना ज़्यादा गाढ़ा हो। तो हमारा खिचड़ी बनाने के लिए देखिए हम 1 पाव चावल लिए हुए हैं इसमें डालने के लिए। चला तो देखिए हम खिचड़ी में तड़के लगाने के लिए, हम तड़के वाला खिचड़ी बना रहे हैं। तो खिचड़ी में तड़के लगाने के लिए हम 3 टमाटर लिए हुए हैं और यहाँ पर देखिए आप सब देख सकते हैं 2 प्याज लिए हुए हैं और 4 से 5 हम हरी मिर्च लिए हुए हैं। इसको काटेंगे अच्छे से। तो हम प्याज को अच्छे से हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे, बहुत ही बारीक काटेंगे क्योंकि हमको तड़का देना है। तो यहाँ पर हम आइए चेक करते हैं अपने, देखिए हमारा खिचड़ी देखिए कितने अच्छे से खोल रहा है, आप सब देख सकते हैं। देखिए हमारा ये पक चुका है, तो अब इसमें हम डालेंगे चावल। देखिए ये पक चुका है, ये बाद में पूरा गल जाएगा दोस्तों। अब इसमें हम डालेंगे चावल। तो देखिए अब इतना चावल लिया है तो अब इसको अच्छे से धोएंगे चावल को 2 पानी से। तो अब हम देखिए चावल को इसमें डालेंगे। तो देखिए डालना कैसा है दोस्तों, ऐसे डालिएगा, पहले ऐसे अग्नि माता को आप पोछ लीजिएगा उसके बाद डालिएगा। अब हम इसको अच्छे से चला लेंगे क्योंकि देखिए हमारा चावल इसमें पड़ चुका है और इससे इसको अच्छे से चलाएंगे और ढक करके हम अच्छे से पकाएंगे इसको। सब देख सकते हैं हमारा खिचड़ी कितने अच्छे से पक रहा है, हम चावल डाले हुए थे तो देखिए ये कितने अच्छे से खोल रहा है यहाँ पर, देख सकते हैं आप सब।
कितने अच्छे से पक रहा है। इसको अभी हम 5 मिनट तक और पकाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों देखिए हम यहाँ पर अब चटनी पीसेंगे। तो देखिए चटनी पीसने के लिए हम टमाटर 5 से 6 टमाटर लिए हुए हैं। और इसको देखिए हम ऐसे इसका ये वाला जो भाग है इसको हम काट कर निकाल देंगे क्योंकि यहाँ पर कीटाणु रहते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम इसमें चटनी पीसने के लिए हम यहाँ पर डाल रहे हैं। तो देखिए हमारा चटनी पीस करके तैयार हो चुका है। देखिए आप सब देख सकते हैं हमारा चटनी कितना अच्छा से पीसा हुआ है। देखिए कितना अच्छा फाइन पेस्ट बन गया है। तो देखिए हमारा टमाटर की चटनी बनकर तैयार हो गया। इसमें हरी मिर्च और लहसुन अदरक डाले हुए हैं दोस्तों, आपने सबको नहीं दिखाया उसके लिए सॉरी। और यहाँ पर नमक भी डालेंगे। तो नमक अभी नहीं डालेंगे, हम बाद में डालेंगे, खाने के वक्त हम नमक डालेंगे, आप लोग को भी दिखाएंगे इसमें डालेंगे। जब तक स्वाद के अनुसार नमक डालिएगा आप ही लोग भी। तो देखिए हमारा खिचड़ी लगभग पक ही चुका है। और देखिए आप सब देख सकते हैं हमारा खिचड़ी लगभग लगभग पक चुका है। और 2 मिनट के लिए और इसको पका लेंगे, हम हल्का सा गला लेंगे इसको, उसके बाद में हम आप लोगों को तड़का बनाएंगे और दिखाएंगे। खिचड़ी पक्का तैयार हो चुका है और हम चूल्हे से नीचे उतारेंगे और इस पर रखेंगे कढ़ाई। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। कढ़ाई को अच्छे से हम गर्म होने देंगे, उसके बाद हम डालेंगे इसमें तेल। तो हमारा देखिए आप सब देख सकते हैं तेल हमारा गर्म हो चुका है। कढ़ाई में दिखाओ हमारा तेल गर्म हो चुका है। तो इसमें डालेंगे हम जीरा, आप सब देख सकते हैं जीरा डालेंगे। और इसमें डालेंगे तेजपत्ता, एक तेजपत्ता लिए हैं इसमें डाल देंगे। और एक हम मिर्चा डाल देंगे, इसमें सूखा मिर्चा है। तो हमारा तड़का आप सब देख सकते हैं और पानी खत्म हो चुका है यहाँ पर। तो थोड़ा सा हींग लिए हुए तो इसको हम भी डाल देंगे इसी में। और देखिए हमारा तड़का जल चुका है, ये हमारा तड़का जल चुका है। इसमें देख दिखाओ इसमें कारण में नहीं। और देखिए यहाँ पर हम डालेंगे हरी मिर्च और प्याज को काटे हुए जो। तो देखिए हमारा प्याज लाल हो चुका है, तो उसमें डालेंगे हम टमाटर। अच्छे से इसको भूनेंगे, इसको हम ढक करके अच्छे से भूनेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम एक बार इसको चेक कर लेते हैं। एक बार इसको हम चेक कर लेंगे यहाँ पर। तो आप सब देख सकते हैं हमारा जो तड़का है वो तेल छोड़ने लगा है। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर तेल छोड़ चुका है और अच्छे से हमारा भून रहा है यहाँ पर।
तो फ्रेंड्स देखिए हमारा तड़का बनके फाइनली तैयार हो चुका है और हम गैस को कर देंगे और बंद कर देंगे। और देखिए यहाँ पर हम तड़का कैसे डालेंगे, हम आप सबको दिखा दे रहे हैं। यहाँ पर तो हमारे तड़के का रंग आप लोग कलर देख लीजिए कितना अच्छा तड़का हमारा बनकर तैयार हो चुका है। ये देखिए तेल छोड़ दिया है पूरा और हम इसी में डालेंगे तड़के खिचड़ी में। और थोड़ा सा इसमें हम डालेंगे यहाँ से ताकि इसमें जो तेल लगा होगा इसमें आ जाएगा पूरा। तो आप सब हमारे खिचड़ी का कलर देख लीजिए और रंग देख लीजिए कितना अच्छा खिचड़ी में बनाकर बनकर तैयार हुआ है। तो देखिए अब हम थाली में परोस लेते हैं खाने के लिए, क्योंकि अब रात ज़्यादा काफ़ी हो चुका है दोस्तों, तो हमारे बच्चे सो जाएंगे तो हम दे रहे हैं उन लोगों को खाने के लिए। तो आप सब हमारे खिचड़ी का कलर देख लीजिए यहाँ पर कितना अच्छा खिचड़ी बना हुआ है। तो देख सकते हैं हमारा चटनी और खिचड़ी बनकर तैयार हो चुका है दोस्तों। तो यदि हमारा वीडियो पसंद आप सबको आए तो मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर मेरे चैनल को करिएगा दोस्तों, मुझे सपोर्ट करिए प्लीज़ दोस्तों। और फिर मिलेंगे हम अगले नेक्स्ट वीडियो में, आप सबको दिखाएँगे अच्छे से रेसिपी दिखाएँगे लेकर के हम यहाँ पर आएँगे। जो भी हमारे बोलने में थोड़ा बहुत गलत हो सकता है दोस्तों, जो भी हम बोलते हैं उसमें थोड़ा बहुत गलती यदि होगा तो हमको माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि हम पहला ब्लॉग बना रहे हैं तो हमको समझ में नहीं आ रहा है। इसके लिए नमस्कार।